हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे मुझे पूरा यकीन है आप सब बेहतरीन होंगे। सो वीडियो को बनाने के पीछे मकसद है, सीए और सीएस इन दोनों की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मन में एक चीज होती है कि यार हम सीएस कर रहे हैं और जहां पे स्टार्टिंग की बात होती है तो हमारे कई फ्रेंड है कंपनी से चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो दुष्यंत सर, इस चीज में क्या आप एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ। 2020 में मेरे भाई की जॉब लगती है, मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हिज नेम इज सी अंकित जैन, और उसी दौरान मेरी एक स्टूडेंट की जॉब लगती है। ठीक है, लेट्स मेक एन ऑनेस्ट कंपैरिजन। सो माई ब्रदर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्ट हिज करियर विथ WNS मुंबई। ठीक है, और उनका जो फर्स्ट पैकेज होता है वो होता है अराउंड 6.5 लाख का। ठीक है, और जो ये 6.5 लाख का जो पैकेज था, 6.5 लाख का जो पैकेज था, इनको मुंबई में मिलता है, WNS मिलता है। और ये हमेशा याद रखिए, इनकी जो और कई बच्चों का ऐसा रहता है कि डायरेक्टली डिग्री आती है साथ जॉब लगती है, ऐसा नहीं था। ही वेटेड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने उनका अलग अलग जगह इंटरव्यू चला और उसके बाद उनकी जॉब लगी WNS में। ठीक है, उसके बाद एट द सेम टाइम उसी कालखंड में मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सीएस कंप्लीट किया। ही कंप्लीटेड हिज सीएस, उनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई 1 ईयर की, और उनकी फर्स्ट जॉब लगती है मुंबई में, लगती है रेमंड कंपनी में, लगती है एट द पैकेज ऑफ 4.75 पर ईयर। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग सैलरी अगर हम देखें, अब आप इसमें से कई जगह बोल सकते हैं कि नहीं सर, आपके भाई को कम मिला, पहली सैलरी सीए की जो होती है वो 10 लाख होती है, सीएस की होती है वो 5-5.5 लाख, जैसा भी बच्चों। बट मैं आपके साथ एक रैंडम केस डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं बिल्कुल, सीए को 40 लाख का भी पैकेज मिल सकता है, सीएस को भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ अब बच्चों, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि जो पहला पैकेज होता है, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो यस, मैं ये बोलूंगा कि सीए को थोड़ा सा एज होता है, उसको 1-2 लाख, 3 लाख का ज्यादा पैकेज मिलता है बच्चों। बट आप समझिए कि सीए जो है वो आर्टिकलशिप भी जो करता है, आर्टिकलशिप जो सीए का स्टूडेंट करता है वो 2.5 साल की करता है। हम लोग अभी तक जो आर्टिकलशिप पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर करते थे वो 1 साल की ट्रेनिंग करते थे। ठीक है, सो अब जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, जो नया हम लोगों ने भी अभी जो हमारा नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो 2.5 ईयर्स का है, मतलब 21 महीने की ट्रेनिंग और 3 महीने के बाकी के प्रोग्राम मिला के लगभग अराउंड 2 साल होता है। तो 2 साल का अब हम ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लेके आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पैकेजेस हैं वो थोड़े से और अच्छे होंगे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, और अगर सीएस को थोड़ा सा कम भी मिलता है तो मैं उसमें मुझे कोई शिकवा नहीं है। रीजन ये है कि यार तुम सीधा सीधा एक चीज देखो, क्योंकि हम लोग जो है वो कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन सीएस कोर्स करने के बाद और आर्टिकलशिप करने के बाद हमें फिर भी उतना मतलब हमें समझ तो है, हम पैसे भी डिजर्व करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करता आर्टिकलशिप के बाद। अब 2.5 साल की आर्टिकलशिप होगी, मतलब 2 साल की आर्टिकलशिप होगी तो लोग ट्रस्ट भी करेंगे, लेकिन पहला पैकेज जो है वो कंपैरेटिवली कम भी रहे तो बिल्कुल आप गिला शिकवा मत रखिए। पैकेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बढ़ने वाला है, पैकेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बढ़ने वाला है। 1-2 साल का आप वर्किंग्स ले लीजिए, 1-2 साल का वर्किंग्स ले लीजिए, तो इससे लोग क्या करने लगेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करेंगे, आप कानून को और अच्छे समझ पाएंगे, और जब आप कानून को अच्छे समझ पाए तो आप ज्यादा अच्छे से इंटरव्यू क्रैक करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी कहीं पे ये शिकवा मत रखिए कि यार हमारे पैकेजेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि हमको स्टार्ट थोड़ा सा हम्बल मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है उनके सीए के कंपैरिजन में, बट अगेन अब 2 साल की आर्टिकलशिप होगी और 1 जॉब स्विच अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप इक्वल रेंज पे आ जाते हैं। उल्टा आप एज अ KMP ज्यादा कमांडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, आपको ESOS का फायदा भी आगे जाके मिलने वाला है और डेफिनेटली सीए को भी मिलने वाला है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ सीए सीएस सीएमए ये जो कोर्सेज हैं ये इकोनॉमी के पिलर्स हैं, और मैं सीएस को पढ़ाता हूँ, सीए को भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए हर एक कोर्स बेस्ट है। बट मैंने ये कंपेरिजन वीडियो इसलिए बनाया है कि क्योंकि बेसिकली बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सीएस कोर्स स्टार्ट करने के पहले हमारा ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, और सीएमए के बारे में मैंने बात नहीं की, बट सीएमए और सीए इनके पैकेजेस जहां जितना मेरी जानकारी, क्योंकि मैं सीएमए को पढ़ाता नहीं, मुझे बहुत कम आइडिया, लेकिन सीएमए इज अगेन अ वेरी गुड कोर्स और उनके भी पैकेज जो है लगभग सीए के इक्वल ही होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और अपना ख्याल रखिए।